हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। कैसे हैं आप लोग? सो डियर फ्रेंड्स, एक बात मुझे आपसे पूछनी थी कि मैं आप लोगों के कमेंट्स मैं और मेरी टीम देख रहे थे, तो इस बात की खुशी है नाउ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। तो एक बात आपको बतानी भी थी कि क्या आपने यूट्यूब चैनल ATS अजीत तिवारी सर के कम्युनिटी पोस्ट पे जो क्वेश्चंस डल रहे हैं आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? ठीक, आजकल क्वेश्चंस कम्युनिटी पोस्ट पे बायोलॉजी के डल रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी हम यहाँ कर रहे हैं तो बायोलॉजी हम कम्युनिटी पोस्ट पे कर रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, गो थ्रू क्वेश्चंस। आइए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का फिजियोग्राफी का पार्ट चल रहा है और मैं आपको बता दूँ कि आपके पास साइट है www.ajeetlive.in और ये कोर्सेस हैं जो मैं डील करता हूँ फॉर UPSC एंड स्टेट सर्विसेज, है ना गाइस, मीडियम हिंदी इंग्लिश बोथ। अब तो दोनों आंग्ल भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा के भी सेशंस मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है, एंड ऑलवेज विथ यू गाइस। तो माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया हम लोग कर रहे हैं, क्लियर। मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैपिंग के कराए जिसमें आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और परफॉर्मेंस भी अच्छी दी, ठीक। फिर मैंने कुछ आपको असाइनमेंट दिया था, मैपिंग का याद आ रहा है, हिल्स के आपको असाइनमेंट दिए थे जो आप लोगों ने अच्छा किया। जो लोग जुड़ नहीं पाए थे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है गाइस, क्लासिक 7 NCERT की प्लेलिस्ट, बायोलॉजी की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे आप, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब कुछ आपके लिए झमाझम OSS वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको परेशान नहीं होना है, क्लियर। हिमालय की फॉर्मेशन फोल्ड माउंटेन, और जब फोल्ड माउंटेन्स बनती हैं अप फोल्डिंग वेव्स एंटीक्लाइन, डाउन फोल्डिंग आर्सिनक्लाइन। फिर हमने ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय और सिबलिक्स की बात की। फिर हमने भावर की बात की, तराई की बात की। फिर हमने डेल्टाइक प्लेन की बात की, हमने एलुवियल प्लेन की बात की, हमने ओल्डर एलुवियम भांगर और न्यूअर एलुवियम खादर की बात की। खूब चर्चाएं आम और चर्चाएं खास हुई। पूर्वांचल हिल्स पे क्वेश्चंस हमने किया, आगे हम माउंटेन एंड पासेस पे क्वेश्चंस करेंगे, तो बहुत ही तरीके से हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे गाइज। माई टारगेट इज टू इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, जो होगा आइए देखते हैं। Have a look here. आपको दिख रहा है गजेर बम मसेर बम 1-2K2, माउंट एवरेस्ट कंचनजंगा, मिसमी हिल्स, मिकिर बरेल, गारो खासी जयंतिया, क्लियर। आपको दिखाया मैंने, जरा अब देखना ध्यान से, कार्डमोम हिल्स। क्या दिखाया? कार्डमोम हिल्स, सदर्न मोस्ट हिल। आपसे बात हुई अनामलाई हिल्स की अनाई मुड़ी, आपसे बात हुई नीलगिरी की दोदा बेटा, नल्ला माला और नलाई मलाई हिल्स देख पा रहे हो आप, ठीक। कलसुबाई देखा आपने, कोंकण कोस्ट स्टेट कौन सा मैक्सिमम पार्ट, मालाबार कोस्ट स्टेट कौन सा मैक्सिमम पार्ट, गल्फ ऑफ कैम्ब जिसे आप गल्फ ऑफ खंबात कहते हो, क्लियर। आइए गाइस इन सारी बातों को समझते हुए आगे बढ़ें। पाल घाट गैप आपको दिख रहा है, क्लियर गाइस। क्या आप पाल घाट गैप देख रहे हो, पलकक्कड़ देख रहे हो? आपको नीलगिरी हिल्स दिखा था, नीलगिरी हिल्स गाइस, अगर मैं नीलगिरी हिल्स की बात करूं तो हमने पीछे डिस्कस किया था आपसे कि ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट जॉइंस टू फॉर्म माउंटेन नॉट KNOT एंड नीलगिरी इज द हाई नीलगिरी एंड हुज हाईएस्ट पीक इज अनाई मुड़ी, ठीक। साउथ ऑफ नीलगिरी लाइज पाल घाट गैप, याद आ रहा है, ये पाल घाट गैप, पलकक्कड़ गैप कोयम्बटूर को कनेक्ट करता है, विच कनेक्ट्स टू कोयम्बटूर
गैप लाइज इन केरला, अगर आप पीछे देखने का प्रयास करें, ठीक, तो ये आपको अनाईमुडी अनामलाई हिल्स दिख रहा है। नीलगिरी एक ब्लॉक माउंटेन है। भोर घाट और थाल घाट मैंने पीछे आपको बताया था इसके बारे में, भोर घाट एंड थाल घाट याद करिए गाइस, याद आ रहा है भाई? भोर घाट क्या कर रहा है? मुंबई को पुणे से, थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ रहा है। कहां? ऑन कोंकण कोस्ट, मैप में दिखाया था आपको। चलिए आगे और बढ़ते हैं। जोग फॉल रिवर सारावती, रिवर सारावती, ठीक। चलिए, तो सेंट्रल इंडिया की बात हो रही थी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। बिल्कुल, पूरी क्लास जानती है कि आंसर इज डैश, आंसर इज नीलगिरी हिल्स। यहीं पे अभी मैंने आपको रिवाइज कराया कि ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट को ज्वाइन कर रही है। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी, दोदा बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री, पीछे दिखाया था आपको कलसुबाई। हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ सह्याद्री, नीलगिरी का दोदा बेटा। हाईएस्ट 2637 या 2695 अनाईमलाई का। चलिए अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी हिल्स मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन, ये आपको दिख रहा है ना? दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक। विंध्यास सतपुरास पे क्वेश्चंस कल हमने किया था, ये स्पष्ट रूप से आप देख रहे हो। कुछ और रेंजेस देख लो, अजंता रेंज, सतमाला रेंज, बालाघाट रेंज, हरीश चंद्र रेंज, महाबालेश्वर, ये आपको हैदराबाद तेलंगाना प्लेटू दिख रहा है। नल्ला मलाई हिल्स, पालकोंडा रेंज नाम आएगा, जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स, क्लियर? जावदी हिल्स, सेवरॉय हिल्स। फिर आपको यहां नॉर्दर्न सरकार महेंद्रगिरी, मलयगिरी, ईस्टर्न साइड दिख रहा है आपको, क्लियर? चलिए, पालनी हिल्स। गाइस आप कमेंट में लिख के बताना कि अगर हिल्स का नाम पालनी है तो व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट, राज्य कौन सा या कौन कौन सा? हैव अ लुक हियर, जल्दी फास्ट, यानी कि आपको वेस्टर्न घाट का ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन दिख रहा है, वेस्टर्न घाट का ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन दिख रहा है, देखिए केरला एंड साउथ ईस्टर्न तमिलनाडु। फेमस टाउन कोदई केनाल, कोदई केनाल फेमस टाउन ऑन पालनी हिल्स, फेमस टाउन ऑन पालनी हिल्स, ये आपको वेस्टर्न घाट के स्पर्श दिख रही हैं, क्लियर है? द रेंज इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अनाईमलाई हिल्स, अनाईमलाई हिल्स का केरला तक की कॉन्टिन्यूएशन है ना? 70 किलोमीटर वाइड एंड अप्रोक्सीमेटली 23 किलोमीटर लॉन्ग, किसकी बात हो रही है? पालनी हिल्स की बात हो रही है। आइए जल्दी से देखते हैं। सो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट इन केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु, टाउन कोदई केनाल, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अनाईमलाई हिल्स,
अबाउट 70 किलोमीटर वाइड एंड 23 किलोमीटर लॉन्ग, क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्लियर। सो पीक्स की बात करें, वंदारायु, वंदारायु पीक, वेम्बादी शोला, नीलगिरी के फॉरेस्ट को शोला फॉरेस्ट कहा था आपने, करुणमा कादू, बहुत ज्यादा हाइट नहीं है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपने पर्नी हिल्स यहां पे देखा, हैव लुक हियर, साइड हो जा रहा हूं, कई एटलस में आपको दे दिखता है, तो आप पर्नी हिल्स को देख लें, मीसा पुल्ली माला, साउथ में अनामलाई और साउथ में कार्डामम, चलिए क्लियर। आप विजुअल्स अनाई मोडी के देख लें, एलिफेंट हेड, नीलगिरी रीजन देख लें ऊटी का, और ये लस ग्रीन ब्यूटीफुल सीनिक ब्यूटी देख लें आप, क्लियर। अगर कलसुभाई नॉर्थ सह्याद्री का हाईएस्ट पीक है तो साउथ सह्याद्री का हाईएस्ट पीक कौन है, ना हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ सह्याद्री। अगर कोदई केनाल इज प्रेजेंट ऑन पालनी हिल्स, अगर कोदई केनाल इज प्रेजेंट ऑन द पालनी हिल्स, तो फेमस हिल स्टेशन है ना ऊटी, नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, और जो गरसोपा पीछे दिखाया था आपको, सरावती रिवर इन द वेस्टर्न घाट, जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है, याद रखिएगा। आगे सेशन ऑन रिवर प्रोजेक्ट्स, ऑन द वाटरफॉल, ऑन द रिवर, ऑन द सॉयल, ऑन द इंडस्ट्रीज, खूब कड़ी मेहनत होगी और झमाझम टॉपिक्स करेंगे। चलिए सेवरल हिल्स आप देख पा रहे हो गाइस, एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि अरेंज द फॉलोइंग, इतने हिल्स मैंने क्यों दिखाए, ताकि अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दूं तो आप उसे जल्दी से कर पाओ, कि भाई अगर मैं आपसे बोलूं कि अरेंज द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्या क्वेश्चन दिया, अरेंज द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की हिल्स को अरेंज करें फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। गाइस बहुत ध्यान से, नॉर्थ टू साउथ आपको अरेंज करना है। मैंने कहा भाई नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, विजुलाइज कर पा रहे हो, बाबा भूदान हिल्स, बाबा भूदान, बाबा भूदान हिल्स, ये आपको पूरी मैपिंग भी देखनी है, मैप में आपको ऑब्जर्व करना है। सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स है ना, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र रेंज अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, हरीशचंद्र रेंज, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज विजुलाइज करने के प्रयास करेंगे। फिर कार्डामम, कार्डामम इतना ही दे रहा हूं बस, नंबरिंग कर दे रहा हूं, आप कमेंट में नंबरिंग करना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, क्लियर। अगर मैं हिल्स और मैच द फॉलोइंग उसका स्टेट और यूटी दे दूं तो क्या करेंगे आप,
हो गया। देन हैव अ लुक हियर, जो लोग नहीं कर पा रहे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आइए देखिए हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। अभी मैं साइड होऊंगा, आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक लिस्ट मैंने आपको नॉर्थ से साउथ दिया है, सतपुरा रेंज, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सतमाला हिल्स महाराष्ट्र, हरिश्चंद्र महाराष्ट्र, बाबा बुदान कर्नाटका, नीलगिरी तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। बहुत इंपॉर्टेंट, एक शॉर्ट नोट्स टाइप कंपाइल आपको दिया, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले चुके हैं आप। देखिए कोई भी एग्जाम शॉर्टकट नहीं होता, पेशेंस के साथ आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आगे देखिए, अनाईमलाई हिल्स तमिलनाडु एंड केरला, अनाईमुडी केरला, अगस्त्यमलाई केरला एंड तमिलनाडु, कार्डमम केरला एंड तमिलनाडु। अब अगर ईस्टर्न घाट की बात करें तो अभी आपको ईस्टर्न घाट दिख रहा है, ईस्टर्न घाट का हिल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, महेंद्रगिरी उड़ीसा एंड आंध्रा, सिमलीपाल उड़ीसा, अंसुपा उड़ीसा, धौली हिल्स उड़ीसा। अब ये पूछ दे लोगों का डैश एंड डैश हो जाए। नल्लामाला क्वेश्चन किया हमने, आंध्रा, पालकोंडा आंध्रा, पापी हिल्स, पापा नहीं पापी है तू, हिल है जावदी, तमिलनाडु एंड आंध्रा। गाइस क्लियर, अगर मैं आपसे बोलूं सेवरॉय हिल्स है ना, सिरुमलाई हिल्स, देखिए जरा सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु, पचाई मलाई तमिलनाडु, जावधु तमिलनाडु, कोल्ली तमिलनाडु, कलरायन तमिलनाडु, सिरुमलाई तमिलनाडु। क्लियर है, चलिए इतना काफी है। एक क्विक स्क्रीनशॉट जो बच्चे ले नहीं पाए, वन वेस्टर्न घाट का 1 to 5, देन 6 to 9 इंपॉर्टेंस, फिर ईस्टर्न घाट का 1 to 8, देन अप टू 14। खूब क्वेश्चंस बनेंगे, ढूंढने में आसानी होगी, नॉर्थ टू साउथ के अरेंजमेंट दे दिया है। क्लियर, इसके बारे में बात हो चुकी है आपसे, सेवरो हिल्स के बारे में बात हो चुकी है आपसे, है ना, हाईएस्ट पीक के बारे में आपसे बात हो चुकी है। दोदा बेटा इज सिचुएटेड इन, बिल्कुल समय नहीं दूंगा, हरी अप फास्ट। नीलगिरी हिल्स कर चुके हम, अनाईमलाई का हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है। चलिए आप पीछे बता चुका हूं विंध्यन रेंज, और पीछे बता चुका हूं विंध्यन रेंज का हाईएस्ट पीक, सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक, विंध्यन रेंज का हाईएस्ट पीक और सतपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक के बारे में बता दें। विंध्यन रेंज रन्स मोर और लेस पैरेलल टू नर्मदा वैली, जो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है ना, जल्दी फास्ट। सतपुरा रेंज की बात हो रही है, और जब रेंज की बात हो रही है तो आपको पचमढ़ी याद आ रहा है, धूपगढ़ आपको याद आ रहा है, याद आ रहा है। चलिए तो विंध्यन का
गुजरात टू सासाराम इन बिहार, भारनेर कैमूर, आगे क्वेश्चंस दिया है। देख पा रहे हो आप, तो ये आपको धूपगढ़ दिखा दिया था है ना, भांदेर दिखा दिया था। चलिए बढ़िया, नीलगिरी से बात हो चुकी थी, ट्राइजंक्शन ऑफ केरला कर्नाटका तमिलनाडु अभी रिवाइज कर लिया था, नीला कुरुंजी फ्लावर्स की बात हुई थी, ब्लू माउंटेन इसे बोलते हैं आप, शोला की बात हुई थी, ट्राइब्स तोडास कुरुम्बास एंड पानियास आदियांस ये उसके ट्राइब्स हैं ऑफ द रीजन, मुदुमलाई वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नागरहोल मुकुर्थी साइलेंट वैली पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप में आपको इनको देखना है, आगे सेशंस होंगी, रिवर्स कौन सी, भवानी मयास काबिनी चालियार पुन्नम पुष्पा ड्रेन्स दीज माउंटेन्स, पूछेगा ये कहाँ माउंटेन्स प्रेजेंट हैं, तो फिर आपको ढूंढना होगा, ये टफ क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। गाइस बिल्कुल समय नहीं दूंगा आपको, आईएएस में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, ठीक फास्ट करेंगे, हरी अप, जो मैं आपसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल नीलगिरी हिल्स सबके बारे में बात कर चुके हैं, अभी मैंने आपको नॉर्दर्न सह्याद्री की हाईएस्ट पॉइंट, प्लीज राइट इन कमेंट सेगमेंट, नॉर्दर्न सह्याद्री हिल्स की हाईएस्ट पॉइंट और सदर्न सह्याद्री हिल्स की हाईएस्ट पॉइंट जस्ट आपको बताया। कार्डमम हिल्स का स्टेट आपको जस्ट बताया, ये दोनों आप जल्दी से कमेंट सेगमेंट में लिखकर बताएं फास्ट, मैं आपका कमेंट चेक कर रहा हूं क्या लिखा है आपने। आगे बढ़े, सो नॉर्दर्न सह्याद्री कलसू भाई एंड साउथ सह्याद्री कुद्रेमुख, ठीक है ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आप देख चुके हैं, इनके बारे में चर्चा आपसे हो चुकी है, ठीक कार्डमम हिल्स की बात हो चुकी है, एडजेसेंट टू कन्याकुमारी, वेरी फेमस फॉर गुड टी एंड कार्डमम, ये पॉइंट याद रखिएगा, स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, तो ये पॉइंट याद रखिएगा और ये पॉइंट कार्डमम का याद रखिएगा, ठीक है इलायची कार्डमम, पाली हिल्स बात हो चुकी है, स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। चलिए देख रहा, ये सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, तो डन, जल्दी से आगे बढ़ेंगे मुस्कुराते हुए, और इनके बारे में पीछे बात हो चुकी है, ये उत्तराखंड में 2021 में पूछा, देख रहे हो आप कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। चलिए सो वी हैव डन दिस, इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, लाइज एट ट्राई जंक्शन ऑफ, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से मैंने आपसे बताया था, ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु, भाई तीनों के ट्राई जंक्शन पे कौन है, अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने को भी कहा कि आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आप क्वेश्चंस करने वाले हो, बिल्कुल बिल्कुल, ट्राई जंक्शन ऑफ ऑल थ्री, पूरी क्लास जानती की बात नीलगिरी हिल्स की हो रही है, नीलगिरी हिल्स की हो रही है, ठीक।
पूरी क्लास जानती है कि नीलगिरी हिल्स लाइज एट ट्राइजंक्शन ऑफ ऑल थ्री, है ना? आगे बढ़े, यस नो गाइस? ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, आपको इसके बारे में सोचना है, है ना? चलिए आइए देखते हैं। वेरी गुड, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लीजिए आप। आगे आएगा क्वेश्चन, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट नॉर्थ में हाइट कम है, साउथ में हाइट इसकी बढ़ती जा रही है। ईस्टर्न घाट बिकॉज ऑफ डेल्टास एंड रिवर्स डिसकॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट है ना, और फिर आपके पास जिंदागढ़ पीक है, जिंदागढ़ पीक इन वेस्टर्न घाट है ना, आपके पास महेंद्रगिरी है, ठीक, और फिर सेवरल और जावदी हिल्स साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, अनाई मलाई एलिफेंट माउंटेन बात हो चुकी है आपसे, नीलगिरी माउंटेन राइज इन, पूरी क्लास जानती है कि किसके ट्राई जंक्शन पे, किसके ट्राई जंक्शन पे प्रेजेंट है। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के जंक्शन पे प्रेजेंट है। तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में ऑप्शन आपको तमिलनाडु दिख रहा है, गो फॉर द ए, ठीक। चलिए क्लियर है, सारी बातें आप सोच चुकी हैं। सो केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इसके फूल की बात, इसके ट्राइब की बात, नीलगिरी टहर, नीलगिरी टहर की बात हुई थी। फिर यहां के इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स, मधुमलाई, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल, मुकुरथी, साइलेंट वैली रिच इन बायोडायवर्सिटी। फिर पालघाट पास की बात हुई थी, बिटवीन नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अनाई मलाई हिल्स टू द साउथ। अभी मैंने आपसे पीछे पालघाट गैप की चर्चा की थी, याद आ रहा है? जो कोयम्बटूर को कनेक्ट कर रहा है, विच कनेक्ट्स टू कोयम्बटूर, लाइज इन केरला। चलिए ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इनके बारे में आपको एनवायरनमेंट की क्लास में इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ना है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओशन डिस्कवर्ड ए हाई माउंटेन विथ हाइट ऑफ 1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी अबाउट 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम बॉम्बे, माउंटेन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप? कन्या सागर बोलेंगे, रमन सागर बोलेंगे, बॉम्बे पर्वत बोलेंगे, बॉम्बे के साउथ वेस्ट में है, अरेबियन सी की बात हो रही है। गाइस बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। आइए देखिए, इंडियन ओशनिस ने डिस्कवर किया तीन मरीन माउंटेन रेंज, ये आपको बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? वन इन द इंडियन ओशन बेसिन, सेकंड सागर कन्या इन ईस्टर्न अरेबियन सी, एंड थर्ड हाई माउंटेन विद हाइट ऑफ
1505 मीटर एट द बॉटम ऑफ अरेबियन सी, 455 किलोमीटर वेस्ट साउथ वेस्ट फ्रॉम मुंबई। आफ्टर फेमस साइंटिस्ट सी वी रमन इसका नाम रखा रमन सागर माउंटेन। क्लियर है, आगे बढ़े गाइस, जरा स्क्रीनशॉट लेना और इन रेंजेस को फ्री टाइम में देखना। रेंजेस को बाबा बुदान हिल्स पीछे दिखाया था, कई एटलस में आपको नहीं दिखता है बाबा बुदान हिल्स, ठीक है, कई एटलस में आपको जिंदागढ़ पीक आपको कई एटलस में नहीं दिखता है, जिंदागढ़ पीक कई एटलस में आपको बादाम पहाड़ नहीं दिखता है, बादाम पहाड़, गरझट हिल्स है ना, मांडो हिल्स, हरिश्चंद बालाघाट तो अजंता मिल जाता है ना, सेवरॉय ठीक है, डन। चलिए तो कन्या सागर पर्वत आपको दिख रही है, आप इसका मरीन माउंटेन की बात कर रहे थे, बॉम्बे हाई दिख रहा है, कोंकण कोस दिख रहा है, बेंगलुरु दिख रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अभी पीछे रिवाइज कराया था ताकि आगे क्वेश्चन आपसे पूछूं कौन सा करेक्ट नहीं है। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि वेस्टर्न घाट नॉर्थ में हाइट कम है, साउथ में हाइट बढ़ती जा रही है, दैट मीन्स स्टेटमेंट ए गलत है, ठीक। हाई इन द सदर्न पार्ट, अनाई मुडी इज हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, ताप्ती रिवर लाइज टू साउथ ऑफ सतपुरा, नर्मदा एंड ताप्ती आर सेड टू बी ओल्ड रिफ्ट वैलीज, ठीक है, रिवर्स आर फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली, ये तो पूरी क्लास जानती ही है गाइस। आराम आराम से एक एक चीज को मैं समय देके करा रहा हूं, अदरवाइज वन का ए, टू का बी, थ्री का सी आराम से बोलते हुए मैं निकल जाता, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, है ना। आगे बढ़े, चलिए Which one of the following mountain range spread over only one state in India? अभी पीछे मैंने आपको examples दिए और कहा कि screenshot लीजिए ताकि जब मैं आगे आपसे questions पूछूं तो आप इसे कर पाएंगे। तो guys यहाँ अरावली के बारे में बता चुका हूँ, सतपुड़ा के बारे में बता चुका हूँ, सह्याद्री के बारे में बता चुका हूँ, ठीक। तो जाहिर सी बात है अजंता रेंज एक स्टेट में है, प्लीज राइट द नेम ऑफ स्टेट कि भाई कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र, अभी पीछे दिखाया था महाराष्ट्र, लाइज इन द महाराष्ट्र। तो आप यहां मैप में अजंता रेंज को देख पा रहे हो, आप यहां मैप में अजंता रेंज को देख पा रहे हो, क्लियर है गाइस, आगे बढ़े, ठीक। सो इट इज माउंटेन स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट, और बाकी जो एग्जांपल था सतपुरा का, ईस्टर्न गुजरात से बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ईस्टर्न गुजरात से बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आप अजंता सतपुरा रेंज को आप देख रहे थे, महादेव मैकाल रेंज इसी के पार्ट है ना।
सतपुर रेंज के बारे में आपसे बात हुई थी, सतपुरा, महादेव और मैकाल, तो रेंज की बात हो रही है। पचमढ़ी हाईएस्ट पॉइंट, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक ऑफ पचमढ़ी, अमरकंटक सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज लाइंग इन मैकाल हिल। अमरकंटक, यहीं से रिवर नर्मदा ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम अमरकंटक, यानी सतपुरा के ईस्ट में महादेव, महादेव के ईस्ट में मैकाल, ठीक है, इतना काफी है। अरावली की बात हो चुकी थी, सह्याद्री की बात हो चुकी थी, वापस नहीं कर रहा, ये आप अजंता रेंज की सीनिक ब्यूटी देख लें। सतपुरा रेंज के बारे में चर्चा हो चुकी है। अरावली के राज्य गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली आपको याद है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क न्यूज में है, इसी चैनल पर शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है। वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका इज नोन एज, बीपीएससी में पूछा है इन द ईयर 2000। भाई महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका में तो नीलगिरी नहीं बोलोगे, ठीक है, डेक्कन नहीं बोलोगे, सह्याद्री ही बोलोगे, इज नोन एज सह्याद्री, क्या बोलेंगे, सह्याद्री बोलेंगे, क्लियर। अभी हमने नॉर्थ सह्याद्री के और साउथ सह्याद्री के दोनों के हाईएस्ट पॉइंट आपको बोल बोल के याद करा दिया, बोल बोल के आपको याद करा दिया। चार इंपॉर्टेंट पास, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकुट्टा के बारे में आपसे कहा था कि कैसे ये नॉर्थ से साउथ अरेंज हैं, वो भी आप देख लोगे, ठीक है गाइस। तो ये आपसे बात हो चुकी थी। विस्तघाट इज नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ठीक, ओरिजिनेट्स नियर टाउन ऑफ नासिक इन महाराष्ट्र, रन्स पैरेलल टू द कोस्ट एंड मर्जेस विद द नीलगिरी हिल्स कॉम्प्लेक्स ऑफ तमिलनाडु इन द साउथ, जाके तमिलनाडु में नीलगिरी कॉम्प्लेक्स से मर्ज हो जा रहा है, ठीक है। हिल्स कवर 1600 किलोमीटर्स, ठीक, और जाहिर सी बात है नीलगिरी हिल्स पिचकिया में जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। अब जरा इसको दिखा दिया था आपको, जल्दी से अरेंज करिए, यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं। साउथ टू नॉर्थ करना है आपको, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ करना है। भाई सबसे साउथ में कौन है, अब पूरी क्लास जानती है कि पीर पंजाल से नॉर्थ में कोई सा नहीं है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर पहुंच गया आप, तो पीर पंजाल नॉर्थ में है, यानी कि लास्ट में थ्री आना चाहिए, लास्ट में फोर है, गलत गलत, लास्ट में वन है, गलत, तो बी इज द आंसर, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। सतमाला हिल्स गाइस, स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र। कैमूर हिल्स कहां पहुंच गए, एमपी टू बिहार, एमपी टू बिहार पहुंच गया। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर टू हिमाचल पहुंच गए, जम्मू कश्मीर टू हिमाचल पहुंच गए। नागालैंड नागा हिल्स पहुंच गए, तो बी इज द आंसर, क्लियर। क्या करेंगे, मैप में इनको दोबारा देखने का प्रयास करेंगे,
मैप में दोबारा इनको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर गाइस, आगे बढ़ें। ठीक है गुरुजी, बहुत दिखा दिया आपने। ठीक है, तो सतमाला महाराष्ट्र, कैमूर मध्य प्रदेश से लेकर आप आगे बढ़ रहे हो बिहार तक, नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर पे, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल पे। ठीक है, ये आपको नागा हिल्स दिख रहा है, नागा हिल्स ये देखो आप। फाइन, ओके, ये कैमूर आपको दिख रहा है, ये पीर पंजाल आपको दिख रहा है, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल पे। ठीक है, ये नागालैंड में आपको नागा हिल्स दिख रहा है, बहुत देख लिया आपने। अब आइए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। कार्डमोम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ स्टेट्स ऑफ, कई बार क्वेश्चन पूछा है और अभी मैंने आपको इस हिल्स के बारे में, इसकी चाय के बारे में, इसकी कार्डमोम के बारे में चर्चा करी है। सदर्न मोस्ट हिल ऑफ इंडिया, तो सदर्न मोस्ट दो ही राज्य आपको दिख रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं बता रहा कि एक तो केरला कंफर्म है। अब केरला के साथ कर्नाटका है कि तमिलनाडु है? गाइस आंसर इज सी, केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु। साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु, साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। क्लियर, चलिए ये आप कार्डमम हिल्स यहां देख पा रहे हो, यहां देख पा रहे हो कार्डमम हिल्स। गाइस दे कंजॉइंस अनाईमलाई हिल्स, देखो ध्यान से आप, अनाईमलाई हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, पल्ली टू द नॉर्थ ईस्ट एंड अगस्त मलाई टू द साउथ। क्लियर, अगस्त मलाई टू द साउथ, पल्ली टू द नॉर्थ ईस्ट, अनाई मलाई टू नॉर्थ वेस्ट, ये आप देख पा रहे हो। प्लीज जरा इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां से बनेगा। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन मिक्स बन जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लीजिए आप, प्लीज हैव ए स्क्रीनशॉट। पापी हिल्स, पापी कोंडा हिल्स, लोकेशन पापी का देख लीजिए आप, पापी कोंडा। बिल्ली गिरी रंगा हिल्स, लोकेशन देख लीजिए आप। आगे बढ़े, चलिए फाइन। सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, ना अभी तुरंत देखा आपने, जल्दी फास्ट, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है सी इज द आंसर। अब स्टेट कौन सी, तुरंत स्टेट कौन सी, तुरंत कई बार से आप येल्ला माला भी बोलते हो, आप येल्ला माला क्या बोलते हो, येल्ला माला, कार्डमम हिल्स। कर लिया, अभी क्या था, साउथ ईस्ट केरला, साउथ वेस्ट तमिलनाडु। चलिए कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके बारे में हम याद कर चुके हैं।
वेयर आर सेवरॉय हिल्स, आईएएस में पूछा है, और अभी मैंने आपको पीछे सेवरॉय हिल्स दिखाया भी था कि भाई सेवरॉय हिल्स कहाँ लोकेटेड है। हिंट दूं, सलेम, सलेम इज द हिंट। आंसर इज गाइस डी, डी इज द आंसर। ये देखिए आप, सेवरॉय हिल्स आपको दिख रहा है, सलेम टाउन, नियर सलेम टाउन ऑफ तमिलनाडु, ठीक। और अगर यहां और समझने की बात करें, अब आप यहीं पर जावदी हिल्स देख लीजिएगा, यरकौड हिल स्टेशन। चलिए बहुत बढ़िया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई, डज नॉट लाई इन महाराष्ट्र, ये यूपी में पूछ रहा है, कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो मैंने आपको दोनों तरफ के बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, मांडो हिल्स, कैसे मांडो हिल्स कहां पे है, एनी गेस। पीछे दिखाया था, जल्दी फास्ट कमेंट्स, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, है ना। देखिए आप, बालाघाट रेंज आपको महाराष्ट्र में दिख रहा है, बालाघाट रेंज क्लियर है। अच्छा, हरिश्चंद्र रेंज अगेन आपको महाराष्ट्र में दिख रहा है, हरिश्चंद्र रेंज, ओके। तो बालाघाट देख लिया आपने, हरिश्चंद्र देख लिया आपने, एक और आपका था सतमाला हिल्स, सतमाला हिल्स, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये आपको दिख रहा है। तो मांडो हिल्स इज द आंसर, सी महाराष्ट्र में नहीं है। अब आपको कमेंट लिखना है कि इन विच स्टेट मांडो हिल इज प्रेजेंट। आपके पास दो ऑप्शन है, एक एक है ना मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात, दो ऑप्शन है, मध्य प्रदेश या गुजरात, दो ऑप्शन आपके पास। हरी अब फास्ट, ठीक। अगले क्वेश्चन में आंसर बताऊंगा मैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही दिया है मैंने, जरा ध्यान से देखना। सद्भावना शिखारा विंध्य रेंज पे पीछे पूछा था, सतपुड़ा, धूपगढ़, महादेव, पचमढ़ी, मैकाल, अमरकंटक, पीछे यही पूछ रहा था मैं, धूडप, सतमाला। अब आपको ये महाराष्ट्र दिख रहा है, महाराष्ट्र में आपने सतमाला, बालाघाट, अजंता, महादेव, ये सब आपने देखा, क्लियर है। आगे बढ़ू, ठीक।
यानी गुरु जी कुछ ऐसा पूछने वाले हैं, आइए देखते हैं गुरु जी क्या पूछने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैस्ड, कौन सा करेक्टली मैस्ड नहीं है? गरझट हिल उड़ीसा ठीक है, नलईमलई हिल्स आंध्रा देखा हमने, सेवरॉय तमिलनाडु देखा अभी जस्ट, मांडो हिल्स नॉट इन महाराष्ट्र, अभी पीछे बात हो रही थी आपसे, इट इज फाउंड इन गुजरात, गुजरात फाउंड इन गुजरात, लोकेटेड इन गुजरात। पिछले वाले का 150 वाले का इन गुजरात ये पूछा था आपसे, तभी आपसे नहीं बताया था कि यहां आपको नॉट इन महाराष्ट्र बट इन गुजरात, क्लियर है गाइस? कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। गर्जर हिल्स आपको उड़ीसा में दिख रहा है, ध्यान से देखना, पलकोंडा नागरी जावदी सेवरॉय सिरुमलाई पलनी, ध्यान से देखना बच्चों, आगे क्वेश्चंस बन सकता है, हैव लुक ऑन स्क्रीन। गरजहट नलई मलाई सेवरॉय देख लो आप बहुत ध्यान से, ठीक। चलिए अब आप कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए कार्डमम हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव हिल्स, मिकी हिल्स, कौन सा पेयर करेक्टली मैस्ड है? ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा है, भाई कोरोमंडल कोस्ट तो ईस्ट में है और कार्डमम हिल्स के बारे में मैंने क्या बताया है ना कि केरला एंड तमिलनाडु, तो ये तो हो गया गलत, नहीं है मैच, फर्स्ट कट हो गया, यानी ए नहीं है। आगे और देखते हैं, कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट तो आपका महाराष्ट्र की बात हो रही है और कैमूर तो मध्य प्रदेश से बिहार, ये भी गलत है, टू गलत। आइए देखिए, जैसे आपने टू गलत किया, टू गलत टू गलत, थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, पूरी क्लास जानती है, बिकिर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो सी इज द राइट आंसर। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, ताकि आप आईएएस तक के क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। तो गाइस ये हम मुस्कुराते हुए आइए आगे बढ़ें, क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैमूर आप देख रहे थे है ना, सतमला हिल्स देखा है आपने, महादेव अजंता बालाघाट देखा आपने, वेरी गुड, महादेव एमपी मिकिर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, अभी बताया महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, अभी बताया, हरी अप फास्ट। कभी डैश रेंज आर पार्ट ऑफ महादेव मैकाल, गाइस ए इज द राइट आंसर, सतपुरा, सतपुरा इज द राइट आंसर। आप जल्दी से कमेंट में
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज और सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट बता दें सतपुरा रेंज की, हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, बिल्कुल नहीं बता रहा कि भाई सतपुरा महादेव और मैकाल की बात हो रही है सतपुरा रेंज में। ठीक, महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा, लाइज साउथवर्ड ऑफ विंध्यास पैरेलल टू हिट, राजपिपला हिल्स इन द वेस्ट टू वेस्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इन द फॉर्म ऑफ महादेव एंड मैकाल। याद आ रहा है, महादेव हिल्स मध्य प्रदेश है ना, बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी डिस्ट्रिक्ट, बेसिन ऑफ नर्मदा रिवर नॉर्थ में वेन गंगा वर्धा गोदावरी की ट्रिब्यूटरी को साउथ में अलग कर रहा है, वो अलग कर रहा है। ठीक, हाईएस्ट पीक महादेव धूपगढ़ पचमढ़ी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, महादेव का टेम्पल भी है ना, नर्मदा रिवर। ठीक है, ऐसी मानता है कि नर्मदा इज डॉटर ऑफ शिवा। धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, देख रहा तुरंत बताया और कितने ध्यान से आप देख रहे हो, तुरंत आपसे मुस्कुराते हुए पूछ लिया। अभी बताया क्या, सतपुरा रेंज, धूपगढ़ इज पीक ऑफ सतपुरा रेंज, 1350 मीटर हाइट, 1350 का पचमढ़ी, पचमढ़ी राज्य एमपी, हाईएस्ट पीक ये आपको धूपगढ़ दिख रहा है ना, सब रेंज इन महादेव हिल्स नियर पचमढ़ी, रॉक कैसा बेसोल्टिक, अबंडेंस ऑफ स्लेट सीस्ट एंड ग्रेनाइट, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, चलिए, हिल्स ऑफ रामगिरी आर पार्ट ऑफ दिस माउंटेन रेंज, रामगिरी किसका पार्ट है? गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर, मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेगमेंट में करें, थोड़ा आप भी एफर्ट डालो और नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़े हैं, वीडियो को ऐसे लाइक शेयर और कमेंट करते रहेंगे, एंड फॉर एनी असिस्टेंस आपको दिख रहा है, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।